हेलो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू आवर चैनल DHD। हम तो दोस्तों, मेरा नाम भारत है और मैं आपके लिए एक बार फिर से एक और घर का नक्शा लेकर आ गया हूँ, जिसकी चौड़ाई है फ्रंट से वो 12 फीट रखी है हमने और इसकी जो लंबाई है वो 30 फीट के करीब है। जी हाँ दोस्तों, आपको देखने में ही आपको दिख रहा होगा घर के अगर डिज़ाइन किस तरह का है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो कहीं भी किसी भी एंगल से, तो आपको वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। जी हाँ दोस्तों, और हम आपके लिए भी एक और घर का डिज़ाइन तैयार कर देंगे जो कि आपके रिक्वायरमेंट के ऊपर होगा। दोस्तों, अगर इसके अलावा आप किसी और घर का डिज़ाइन चाहते हैं तो सिर्फ वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिए, हम उनके लिए वीडियो डिज़ाइन कर देंगे। जिसको अर्जेंट रिक्वायरमेंट है तो प्लीज़ आप व्हाट्सअप, मैंने जो मेरा व्हाट्सअप नंबर है जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल रहा होगा, वही मेरा व्हाट्सअप नंबर है, वहाँ पर मेरे को कॉन्टैक्ट करो। कॉन्टैक्ट करने के बाद मैं आपका पर्सनली घर डिज़ाइन तैयार कर दूंगा। जी हाँ दोस्तों, वो करंटली में होगा, आपकी रिक्वायरमेंट होगा। और दोस्तों, अगर व्यर्थ में कोई ऐसे ही जल्दी के चक्कर में कोई ऐसे ही फ़ोन ना करे, इसलिए हमने मिनिमम चार्ज रखे हैं जिसको आपको पेमेंट करनी होगी। आप छोटी सी पेमेंट कर दीजिए जिसकी वजह से मैं आपका लिए घर का डिज़ाइन तैयार कर दूंगा। ये चार्ज बहुत ही मिनिमम रखे हैं। चार्ज रखने का रीज़न ये है क्योंकि काफ़ी बार मेरे को पर्सनली कॉल आते हैं कि हाँ भाई, ये घर का डिज़ाइन तैयार कर दो, वो कर दो, ये कर दो, वो, तो बहुत सारे कॉल या मिस कॉल आने की वजह से मैं थोड़ा परेशान हो गया हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि कुछ जो जिनको जेनवन ज़रूरत है, जिनको ज़रूरत है, सिर्फ वो ही कॉल कर पाए, अदरवाइज़ कोई ऐसे ही मेरे को कॉल ना करे। जी हाँ दोस्तों, हम उनके लिए कार्यरत हमेशा रहेंगे। और जिनको वीडियो बस खाली चाहिए तो सिर्फ वीडियो के नीचे कमेंट कर दे, रिसेंटली हम कुछ ही दिनों में उनकी वीडियो अपलोड कर देंगे। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं ऐसे ग्राउंड फ्लोर की डिटेल से। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें दोस्तों। तो दोस्तों, ये है इसका ग्राउंड फ्लोर जो कि फ्रंट से इस तरह का दिखता है। इसका फ्रंट एलिवेशन ये है, आपको सामने गेट दिख रहा होगा और लगभग गेट की जो चौड़ाई है वो हमने 8 फीट के करीब रखी है। आप चाहे तो इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और साइड में हमने एक तरह की वॉल है, जिसकी वॉल के लिए हमने वुडन प्रिंटिंग के लिए टाइल्स वगैरह यूज़ करी हैं जो फ्रंट एलिवेशन के लिए है। और ऊपर बालकनी का डिज़ाइन तैयार किया है जिसमें आपको ग्लास की बालकनी मिल रही है। दोस्तों, जैसे हम घर के अंदर की ग्राउंड फ्लोर की बात करते हैं, जैसे आप अंदर की तरफ जाते हैं तो आपको पूरा एक हॉल लॉबी मिलती है जो कि ओपनली रखा गया है। और दोस्तों, यहाँ से स्टेयर्स आपको ऊपर के जाने वाले फ्लोर के मिल जाते हैं। स्टेयर जो चौड़ाई है जो हमने दोस्तों 2.5 फीट के करीब रखी है, चाहे तो आप इसको 3 फीट कर सकते हैं, लेकिन हमने 2.5 फीट रखी है। 2.5 फीट का एक स्टेयर है, 2.5 फीट का दूसरा स्टेयर है, तो आपको स्टेयर के लिए 5 फीट की जगह मिल जाती है। और दोस्तों, नीचे हमने ये बाथरूम का डिज़ाइन जो तैयार किया है उसकी चौड़ाई जो है वो 4 फीट के करीब है। और जो लंबाई आप स्टेयर्स के नीचे जितनी जगह बचती है सारी लंबाई रख लीजिए दोस्तों। और सबसे लास्ट में ग्राउंड फ्लोर पे ये हमारी एक पर्सनल रिक्वायरमेंट थी कि हमें एक ही घर चाहिए जिसमें नीचे मेरे पेरेंट्स के लिए और बीच में लिविंग हॉल वगैरह चाहिए और उनको ऊपर में फ्लोर पे अपने कमरे चाहिए। तो उन्हीं के हिसाब से हमने ये डिज़ाइन किया दोस्तों। आशा करता हूँ उनको ये घर का डिज़ाइन अच्छा लगेगा। तो दोस्तों, पीछे की तरफ जो कमरा देख रहे हैं वो 12 फीट चौड़ा जो है ही प्लॉट का, और 10 फीट लंबाई में हमने 12x10 का एक कमरा तैयार कर दिया है। उसके जैसे आप उसकी तरफ बाहर की तरफ उससे बाहर आते हैं कमरे से, तो आपको मिलता है 5 फीट चौड़ाई के साथ एक किचन और 6 फीट लंबाई, मतलब 5x6 की एक किचन मिल जाती है जो कि काफ़ी कंफर्टेबल है और आपको किसी तरह से कंजस्टेड फील नहीं होता। दोस्तों, ये था इसका ओवरऑल ग्राउंड फ्लोर की सारी डिटेल्स। सब बड़ी आप आगे चलते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर के ऊपर। दोस्तों, ये है इसका फर्स्ट फ्लोर जो कि आपको कुछ इस तरह का दिखाई दे रहा है, बहुत ही बेहतरीन है। और दोस्तों, पीछे की तरफ आपको मिल रही है 12x10 की एक और कमरा। जी हाँ दोस्तों, सेम एज इट इज़ जो नीचे वाला साइज़ था उसी के साइज़ में मैंने रखा है। शेर से जैसे आप ऊपर की तरफ आते हैं तो आपको वही नीचे किचन की जगह आपको बाथरूम मिल जाता है इसमें, लेकिन हमने इसमें बाथरूम की चौड़ाई लंबाई है वो 5x6 ही रखी है, सेम एज इट इज़ जो नीचे था उसमें। और बाकी सारा लिविंग हॉल आपके लिए हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, उनकी रिक्वायरमेंट ये थी कि फर्स्ट फ्लोर पे इसका लिविंग हॉल हो, एक कमरा हो और काफ़ी कंफर्टेबल हो। और दोस्तों, खास बात इसमें ये है कि हमने बालकनी को भी कवर कर दिया है बाहर की तरफ से। बाहर की तरफ से घर का वेंटिलेशन बहुत ही अच्छा दिखाई देगा और जो बाहर का जो ओवरऑल लुक है ना, फ्रंट एलिवेशन जो है वो देखने में बहुत ही बेहतरीन लग रहा हो दोस्तों। हमने दोस्तों इसमें स्लाइडिंग डोर्स यूज़ करे हैं ताकि आपका घर जो आकर्षक लुक दिखाई दे वो आपको बहुत ही प्यारे नज़ारे नज़र आए इसे। जी हाँ दोस्तों, और हमने एक विंडो यहाँ पे रख दी है क्योंकि आपकी किसी भी तरह से अंदर रोशनी रहेगी हमेशा ही आपके घर में और किसी आपको लाइट जलाने के लिए ज़रूरत नहीं होगी दोस्तों। और मैं आशा करता हूँ कि आप भी कुछ इसी तरह का, अगर आपके पास प्लॉट का जो साइज़ इसी तरह का है तो आप भी इसी तरह का डिज़ाइन तैयार करेंगे दोस्तों। दोस्तों, उसके बाद हमने ये पे एक बालकनी जो देख रहे हैं स्टेयर्स के ऊपर उड़ती है, तो स्टेयर को हमने 2 हिस्सों में डिवाइड किया है ताकि नीचे से जो नीचे का हिस्सा था वैसे ही हमने ऊपर के हिस्से में डिवाइड कर दिया, जो कि ये वाला बालकनी का पोर्शन उससे नीचा होगा, जो किसी तरह से आप काम ले सकते हैं। आप चाहे तो यहाँ पर कुछ और सोच सकते हैं, बट मेरे हिसाब से अगर ये बालकनी ही रहे तो ही ठीक है। दोस्तों, यहाँ पर अपनी टेबल चेयर वगैरह लगा के आप बालकनी का नज़ारा भी ले सकते हैं।
दोस्तों ओवरऑल ये था इसके फर्स्ट फ्लोर के साथ इसका 3D व्यू और डिटेल के साथ। अब इस बढ़ते हैं इसके आगे। दोस्तों एक ख़ास बात ये है कि वीडियो के एंड में आपको एक कुछ और घर के डिज़ाइन मिलेंगे 12x30 के। अगर आपको ये पसंद आया तो उनमें से जाके चेक कर लीजिएगा ताकि आपको कुछ और घर के नक्शे मिल जाए 12x30 में ही। मेरे वीडियो चैनल पर सबसे ज़्यादा 12x30 के डिज़ाइन को मिल ही जाएंगे और मैं आशा करता हूँ और मुझे कॉन्फिडेंस है कि आपको मेरे चैनल से 12x30 का बेस्ट डिज़ाइन मिल जाएगा। सेकंड फ्लोर भी तैयार हो जाता है तो घर आपका कंप्लीट हो जाता है, बहुत ही बेहतरीन लगेगा दोस्तों। ये आकर्षक देखने में आपको 2 मंजिला 3 मंजिला मकान जो किसी इस तरह का होगा तो बहुत ही बेहतरीन है दोस्तों। मैं एक आपको खास बात बताता हूँ, जो नीचे वाला ग्राउंड फ्लोर है उसकी हाइट जो हमने है 12 फीट रखी है, ऊपर वाले फ्लोर की हमने 11 11 फीट रखी है। चाहे तो आप इसको 10 फीट भी कर सकते हैं क्योंकि नीचे वाले फ्लोर पर हमने बहुत बार पार्किंग के लिए जगह होती है तो हम इसको ग्राउंड फ्लोर से टच रखते हैं और ऊपर वाले फ्लोर्स के लिए छोटी हाइट चल जाती है क्योंकि ऊपर वाले फ्लोर्स भी इतनी ज़रूरत नहीं होती है। दोस्तों जैसे ही आप सीढ़ियों से ऊपर की तरफ आते हैं तो आपको ऊपर की तरफ 2 कमरे मिल जाते हैं, एक 12x10 का कमरा है और साइड में जो देख रहे हैं ये लगभग 7 फीट चौड़ी जगह में ही है। दोस्तों 5 फीट आपकी जगह हो जाती है और लगभग 7 फीट आपकी जगह होती है। जिन दोनों जगह को मिलाकर दोस्तों हमने सिर्फ इस स्टेयर को जो है वो सीधे की सीधे रखा है, मतलब 2.5 फीट चौड़ाई के साथ थोड़ा सा ये कमरे को एक्सटेंड करने के लिए हमने यहाँ पे दीवार को थोड़ा सा उधर की तरफ किया है ताकि आपको यहाँ पे एंट्रेंस के लिए देखने मिल जाए। और दोस्तों अंदर ही अंदर आपको लगभग 6.5 फीट के करीब ये 6.5 फीट की चौड़ाई मिलेगी क्योंकि वॉल क्रिएट करने के लिए 4 4 इंच की जगह चाहिए होती है। तो लगभग ये आपको ये कमरा 4.5 मतलब सॉरी आपको ये कमरा 6.5 से 7 फीट के करीब अंदर इसकी जगह मिलेगी। तो दोस्तों और इसकी लंबाई जो है वो हमने इसकी पूरी की पूरी रखी है तो ये कमरा आपका लगभग 10x7.5 या 10x6.5 या 7 का हो जाता है। दोस्तों ये छोटा कमरा है, चिल्ड्रंस के लिए काफ़ी बेटर है, बहुत अच्छा है। और दोस्तों खास बात ये है कि हमने इस कमरे में स्लाइडिंग डोर्स यूज़ किए हैं ताकि आपकी स्पेस कंजस्टेड फील ना हो, स्पेस आपका कवर कर लेगा, मतलब कवर मतलब ज़्यादा घेरेगा नहीं स्पेस को, ऐसे ही एक ही जगह में स्लाइड होने वाले डोर्स यूज़ करे हैं जो फ्रंट की जो फ्रंट एलिवेशन में भी आपको जो दिख रहे हैं ये एलिवेशन के लिए डोर्स दिख रहे हैं ये भी ऐसे ही है। और दोस्तों अंदर वाले डोर्स भी वो भी स्लाइडिंग डोर यूज़ किए हैं। और दोस्तों फ्रंट की जो इलेवेशन की जो डिज़ाइन है ये कलर है मेरी तरफ से बेहतरीन कलर है, वाइट और ब्राउन का कॉम्बिनेशन जो है वो हमेशा होता है। और दोस्तों अगर मेरे को कमेंट करिए अगर घर का आप इंटीरियर डिज़ाइन करवाना चाहते हैं तो दोस्तों मेरे को पर्सनली कॉन्टैक्ट कर लीजिए। अगर आपके इंटीरियर डिज़ाइन करना चाहते हैं मेरे पास बहुत सारे लाखों ऑप्शन हैं आपको घर का डिज़ाइन तैयार करवाने के लिए, सिर्फ मुझसे फ्री ऑफ कॉस्ट आप इंटीरियर डिज़ाइन के लिए लीजिए। दोस्तों ऐसे ही और भी डिज़ाइन हमारी वीडियो लिस्ट में आपको मिल जाएंगे, चाहे तो आप वहाँ जाके चेक कर सकते हो। और ऐसे ही और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक जरूर करते जाएँ लास्ट में जाते जाते। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।